स्टडी आई मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में नाइन्थ एंड में मैं काफी अच्छा था सो so, हुआ ऐसा था कि नाइन्थ स्टैंडर्ड टाइन्थ स्टैंडर्ड में वैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था काफी पढ़ाई में मैं अच्छा था बट मैं ध्यान नहीं दे पाया ज्यादा पढ़ाई में सो इन नाइन्थ स्टैंडर्ड आई गॉट नहीं उल्टा बोल दिया नाइन्थ में पढ़ाई में अच्छा था नाइन्थ में आई गॉट फिफ्टी बिकॉज मेरा फर्स्ट लाइक like, हम लोग का लाइक like, चालू हुआ था रिलेशनशिप इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड एंड uh, वहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था लाइक like, मैं चॉकलेट्स लेके जाता था घर पे से पैसे ले लेकर फिर छोटी छोटी पाँच पाँच रुपए की चॉकलेट्स लेके जाते हैं एवरीथिंग जो भी जो भी निबा निबीस करते हैं या फिर जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स करते हैं स्टार्टिंग में आई यू डू एवरीथिंग हर सो लाइक नॉट एवरीथिंग बिकॉज हम लोग सिर्फ टेंथ स्टैंडर्ड में थे एंड आई डिड नॉट नो कि क्या क्या चीज़ें होती है गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के बीच में सिर्फ वो घड़े गो भेड़ बकरी की चाल में कैसे गुज जाते कि गर्लफ्रेंड चाहिए ये वैसे गर्ल हम लोग वैसे उसी भेड़ बकरी की चाल में भी गुजरा कि मैं भी गर्लफ्रेंड फ्रेंड पटाऊंगा सो so, इसीलिए मे बी वैसे सब हो गया चालू सो so, हम लोग ने फिर लाइक जैसे जैसे चीजें होती हैं वो वो करा एंड ज़्यादा मैं लाइक इतना हम लोग में नहीं गए लाइक इतना डीप नहीं गए रिलेशनशिप में लाइक हम लोग सिर्फ लेसन्स पढ़ते थे एंड वही सब चीज़ें और आगे कुछ नहीं हुआ सो so, एक साल लाइक टेंथ स्टैंडर्ड के एंड तक ये हमारा रिलेशनशिप चला एंड देन एट द एंड उनको थोड़ा लाइक like, वो तो हम लाइक फर्स्ट निभा में क्या होता है ना कि हम लोग तो शादी करेंगे सीधा दिस इज़ माई ट्रू लव दिस इज द अल्टीमेट इसके आगे और कुछ नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया था थोड़ा मैं मोटा था उस टाइम पर दिखने में भी इतना कुछ स्मार्ट नहीं दिखता था फिर ऐसा हुआ कि इलेवंथ स्टैंडर्ड में आई हैड टू टेक साइंस या फिर उसका ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो गया जिससे उसका क्लासेस चेंज हो गया एंड मेरा भी क्लासेस चेंज हो गया मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था कि आई हैड टू डू मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छे नहीं था कि मैं क्लासेस अफोर्ड कर पाऊं, टू बी ऑनेस्ट ठीक है तो उसने अपने क्लासेस ज्वाइन कर लिए स्टिल हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं थी लाइक वी यूज टू टॉक हाँ मैं नाइन स्टैंडर्ड में मेरे पास फोन नहीं था तो मैं अपनी मम्मी के मोबाइल से आ, उनको मैसेज करता आई स्टिल रिमेंबर हर मदर्स मोबाइल नंबर टू बी ऑनेस्ट क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लव था एंड उसके मम्मी का मोबाइल नंबर एंड मेरे मम्मी का मोबाइल नंबर लाइक बहुत रिजेम्बल करते थे तो मैंने वो नींद रटा है वो फ़ोन नंबर इतना पागल था मैं मतलब मेरा एक स्टार्टिंग से ऐसा कि लाइक like, मैं जिसके पीछे घुस जाता हूँ वो चीज़ का पूरा पूरा रस ना निकलता तब मैं घुस ही जाता हूँ सो मैंने उसका अभी मैं अगर बोलने को बोलेगा ना मैं बोल दूंगा वो नंबर बट आई डोंट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड चॉइस टू मेक एनी उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी क्लासेस अलग होंगे थे ठीक है स्टिल uh, रिलेशनशिप चल रहा था सो so, थोड़े थोड़े दिनों में uh, हुआ ऐसा कि मैंने उसको उनको भी उसको पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ गेम खेलता हूँ मेरी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा बिकॉज़ एक बार टू बी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट जितने भी लोग शार्ट में देख रहे हैं एट द एट यंग एज इफ़ यू अगर आपको जल्दी के एज में लाइक like, छोटी एज में अगर आप पैसों का लोभ बोलते हैं या फिर पैसों का अगर आप पैसे कमाना लगते हो लाइक वाइल प्लेइंग द गेम क्लाश रॉयल मैं आराम से पर मंथ फोर थाउजेंड रुपीज कमाता था एट द व्हेन आई वाज ए इन एलेवन स्टैंडर्ड लाइक टेंथ स्टैंडर्ड से ही मैं कमाता था, था पैसा मैं क्या करता था ना लाइक इट इज़ इलीगल ठीक है क्लैश रॉयल में इलीगल है ये चीज़ है वट आई यू टू डू कि मैं टॉप वाले बंदों जो होते हैं मतलब इन शॉर्ट जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग लो अपना अकाउंट आई पासवर्ड मुझे देते हैं ठीक है मैं उनका आईडी पासवर्ड लेकर मैं उनको रैंक पुश करता था उनके और क्लैश रॉयल में टॉप लीडर बोर्ड में लाता था, था इंडिया के अंदर ठीक है एंड मेरा काफ़ी नाम था क्लैश रॉयल मैंने इतनी खेली है कि मैं कॉलेजेस में इवेंट्स होते थे क्लैश रॉयल के लाइक फिफ्टी रुपीज़ दो एंड विन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ सो मैं काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स करता था एंड काफ़ी पैसे कमाने का कोशिश करता था हर एक जगह से सो दिस वॉज एंड काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे ठग ऑल्सो नोज दैट टाइम एट बिट थक यू नो राइट नाउ लाइक हम लोग ऑलरेडी उस टाइम से हैं हम लोग एक साथ द माफिया जो एट बिट माफिया है वो भी क्लाश रॉल इतना खेलते थे सो क्लाश ट्वेल्व में क्लैश ऑफ क्लाइन में मेरा इतना मन नहीं लगा बट क्लाश रॉल वॉज द गेम जहाँ पर मैंने बोला कि नहीं टूट देंगे फिर मैंने खुद के लिए एक मोबाइल ख़रीदा ठीक है फिर फिर अभी ये मैंने बैगग्राउंड बता दिया मेरे क्लाश रोवल का सो सी शी न्यू कि मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ मतलब प्राइवेसी के लिए कर देता हूँ हाँ huh. तो उनको पता उनको पता था कि मैं गेम वगैरह खेलता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ तो यूट्यूब में क्या होता है उनको मैंने लाइक आई वॉज़ वेरी ओपन कि हाँ मेरे यूट्यूब पर इतने पैसे आते हैं लाइक like, मेरे यूट्यूब व्यूज़ व्यूज़ भी मेरे को कितने पता है थ्री थाउजेंड ऐसे आते थे वो भी कभी पता है जब इंस्टेंट मैंने कोई चैलेंज आई हो गेम के अंदर और मैंने इंस्टेंट खेली उसको जीता उसका वीडियो बनाया वो अपलोड करी फॉर द ऑडियंस तो उस टाइम पर मेरे को दो हज़ार तीन हज़ार लाइक व्यूज़ आते थे तो इट वॉज नॉट इनफ ऑब्वियसली करेक्ट तो उसको दिखता था ये सब मे बी तो धीरे धीरे उन्होंने डिस्टेंस करना चालू करा मेरे साथ एंड uh, अपने क्लासेस उसके ऑब्वियसली अलग हो गए थे तो ऑब्वियसली उनके दोस्त भी होंगे वहाँ पर एंड उसी के दोस्त में से एक लड़का था जिसके पास वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी आई डोंट नो व्हाट वाज इट एंड बट मुझे नोटिस कर रहा था मैं ये सभी चीज़ें दिस वॉज इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड वन सगेन मैं नोटिस कर रहा था कैसे हो रही हैं चीज़ें सो जस्ट टू ब्रेकअप जस्ट टू लाइक मेरे से अलग होने के लिए वो लड़की वो उस लड़के के साथ फोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है यानी शी यूज टू लाइक आई यूज टू गेट मेंटली टॉर्चर्ड कि यार ये क्यों कर रही है ये सब आई फील ठीक है चलो ब्रेकअप करने के बाद वो वो फोटोज डालते तो कितना बुरा लगता है यू इज़ नो है ना बहुत बुरा लगता है कि अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चार दिन हुए हैं शी इतना और वो किसी और के साथ फोटोज डाल रही है आई डोंट नो उसको मुझे जलाना था या क्या करना था बट ब्रेकअप करते करते आई आई ट्राइड स्टिल आई ट्राइड कि वो जब एग्जाम देने जाती थी मैं उसको मनाने के लिए उसके बिल्डिंग्स के पीछे जाता था मैं उसके कॉलेज में जाता था एंड उसको मैं मनाता था कि क्या हो गया मेरे से गलती ऐसा बताओ मुझे क्या हो गया क्या हो गया बताओ मैंने क्या गलती करी तो आ, बता तो नहीं पाई वो बट उसने एक चीज़ ऐसा बोली कि मुझे ये लाइन ला, याद है कि उसने ऐसा बोला था दिस इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज मेन रीज़न ये था कि शी सेड तुम यूट्यूब करो ऐसी गुजराती है सर भाई जब सो तो शी साइड की यार तू यूट्यूब पर गेम खेलता है गेम खेल के तू मेरा हाथ मांगने आएगा क्या वो और उसके जो वो बॉयफ्रेंड था मुंह बोला है फिर पता नहीं वो कौन था वो लड़का वो बंदे ने भी मुझे ये टॉन्ट मारा है लिटरली इतनी बहस हुई थी मेरे और उस लड़के के बीच में कि तुम क्यों बीच में पढ़ रहा है तो उस लड़के ने भी मुझे ये डायलॉग मारा डायलॉग ये था मुझे अभी भी याद है तो गेम खेल के इसके माँ बाप के सामने अपना इसका हाथ मांगने जाएगा क्या दिस वॉज द लाइन आई स्टिल रिमेंबर उस दिन के बाद आई डिसाइडेड कि माँ की ख़त्म अपने को ग्राइंड करना है इतना गेम में यूट्यूब पे ग्राइंड करना है नॉलेज गेन करना है कि क्या है क्या नहीं ये निब्बा नब्बी वाली चीज़ें मुझे नहीं घुसना है बिकॉज आई एंड टू बी ऑनेस्ट यार कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि मेरी सिस्टर इस लाइक like, काफ़ी बड़ी हो चुकी है वो एंड ये सब चीज़ें उसने देखी नहीं है सो so, मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार मेरी बहन बहन जो है श्वेता वो ये सब चीज़ों में ना फंस जाए एंड मैं उसको बहुत बार बात जनरली भी बात करता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि सब चीज़ों में मत पढ़ो आप अपने काम पर ध्यान दो कॉलेज में ध्यान दो टाइम आने पर सब हो जाएगा मैं श्वेता को भी बहुत बार ये एडवाइस देता हूँ सो शी इज़ इन अ राइट ट्रैक एंड शी इज़ रियली रियली हैविंग अ वेरी गुड क्या बोलते हैं टाइम इन कॉलेज सो मैं बोला उसको कि फ्रेंड्स बनाओ फ्रेंड्स जितने बना सकते हो बनाओ मेमोरीज बनाओ जितनी फ्रेंड्स कर बट ये रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो ये क्या पता क्या मज़ा आता है हाँ एक होता है अलग किक मिलता है बात करने से बट जब वो ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है इट रियली रियली टॉर्चर्स और रियली, मैं डिप्रेशन में चला गया था टू तो बी ऑनेस्ट मैं इतना गलत टाइम पर ब्रेकअप हुआ था ना मेरा कि वॉट हैपन कि जिस दिन ब्रेकअप हुआ मैं डिप्रेशन में था लाइक like, डिप्रेशन पता नहीं क्या बोलता है आई वॉज वेरी सैड वेरी सैड मैं रूम बंद करके अकेला बैठता था दो दो तीन तीन घंटे मेरी मम्मी बाहर से पूछ रही थी क्या हुआ है बेटा क्या हुआ है बेटा मम्मी भी लाइक like, मम्मी को पता चलेगा गया था कैसा कुछ हुआ है मेरे साथ करेक्ट इतने घंटे टाइम भी ब्रेकअप हुआ था दैट माई अंकल ऑल्सो लाइक वेरी क्लोज मतलब मेरे पापा के छोटे भाई ऑल्सो मेट विथ अ हार्ट अटैक तो वो भी मेरे घर पे आए फॉर वन और टू मंथ्स दे ही स्टेड विथ अस सो दैट हम लोग प्रॉपर एक दूसरे का ध्यान रख पाए क्योंकि एक जॉ अगर एक फैमिली में हार्ट अटैक आया किसी को सो so वो अगर अलग रहेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है ना बिकॉज uh, uh, um, जो मेरी काकी है लाइक like, मेरे पापा के पापा के छोटे भाई की वाइफ वो कितना ही संभालेंगे घर का भी काम करेंगे अंकल को भी देखेंगे तो नहीं ना तो इसीलिए वी मैंने हम लोग ने उनको बोला कि हम लोग साथ में रहते हैं सो दैट वी कुल लुक कि अंकल को कैसा है सो उसी टाइम पर ब्रेकअप हुआ एंड आई वॉज वेरी सैड मैं बात ही नहीं करता था किसी से बिकॉज आई डोंट नो बहुत चूतिया था मैं चूतिया सच बता ना बहुत ज़्यादा चूतिया था मैं मैं अपना रूम बन बन करके बैठा करता था ऐसे पॉइंट पे आ गया था एक टाइम कि लाइक अंकल ने मुझे सामने से पूछा जिनको हार्ट अटैक आया था उन्होंने सामने से मुझे पूछा कि यार प्रतीक कुछ मेरी वजह से है कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तुझे तेरी प्राइवेसी नहीं मिलती है ऐसा वो बोलना चाहते थे कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग तुझे कुछ दिक्कत हो रही है क्या मेरे हम लोग के यहाँ आने से तो हम लोग चले जाते हैं ये जब लाइन उन्होंने बोली फक मेरा दिमाग इतना गंदा हो गया था ना कि मैं क्या 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 चीज़ की वजह से मैं अपने आप को लॉक करके बैठा हूँ जबकि बाहर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है है ना एंड मेरे अंकल की एक छोटी सी लाइक छोटी सी बेबी गर्ल भी अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखते होंगे ना तो आपको मालूम होगा एक झूला झूल रहा होता है एंड पीछे झूले का आवाज़ आता होता था तो छोटी बेबी थी उन्होंने उनको हुई थी सो लाइक like, वो बेबी है प्लस आंटी प्लस काकी है प्लस मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया सो so, इसीलिए जॉइंट फैमिली हुआ था हम थोड़ी हम लोग प्रॉपर अच्छी दो तीन महीने रहे थे सो इट वाज वेरी इमोशनल उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नो आई हैव टू टेक अ करेक्ट डिसीजन डिसीजन कि मुझे क्या करना है सो सी सेड मी ऑल दिस हम लोग ने ब्रेकअप करा एंड उसके बाद फॉर लाइक टू थ्री ईयर्स मैं प्रॉपर अपने यूट्यूब पर ध्यान दे रहा था एंड लाइक like, uh, मैंने मैं फिर भूल गया था लाइक आफ्टर फोर फाइव मंथ्स मैं लाइक like, उसको मैं अपने माइंड से निकाल चुका था आई स्टिल स्टॉक डर फॉर वन और टू मंथ्स कि क्या कर रही है मे बी शी मे बी शी इज वेटिंग फॉर माई वन लास्ट लाइक कि आ जा भाई क्या क्या तकलीफ है या फिर वन लास्ट रिक्वेस्ट मैंने काफ़ी चीजें करी बिकॉज आई डिट नो आई डोंट लाइक टू डू थिंग्स सो बट मेरे को यह लिटरली अगर गुस्सा किस चीज़ से पर आता है ना लाइक या फिर याद भी किसी चीज़ के आती है ना तो वो ब्रेकअप के नाते मुझे वो अंकल के जो वो फेस था लाइक दो हार्ट अटैक वाला फेस था इट वॉज़ वेरी क्रूशियल फॉर मी लाइक मैंने आज तक कभी भी हार्ट अटैक नोटिस नहीं करा था ना आई वॉज द ओनली वन जो लाइक पापा को हेल्प करा था हाँ दिस वॉज ऑल्सो रीज़न क्योंकि मैंने गेम में और पैसा कमाना चालू करा एंड आज जितने भी लोग मुझे स्ट्रीम पर देख रहे हैं मेनी ऑफ यू गैस डोंट नो दिस इज़ अ वेरी वेरी बेटर ट्रुथ एंड बहुत सारे लोग गुस्सा भी करेंगे मुझसे ये अगर मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ आगे पैसों की वजह से लाइक मम्मी मेरी मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे मैंने मेरी मम्मी पापा को भी बहुत झूठ बोला है बहुत ज़्यादा झूठ बोला है बट अभी उनको मालूम है लाइक उनको मालूम है अभी तो लाइक अभी अभी रिसेंटली मालूम पड़ा लाइक सिक्स सेवन एट मंथ्स पहले जब मैं थोड़ा प्रॉपर यूट्यूब पर सेटल हो गया था सो so, मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ गौर से सुनना बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई चूतियागिरी विथ दैट गर्ल ब्रेकअप वाला चीज़ एंड बिकॉज ऑफ द जो अंकल वगैरह का सीन था थोड़ा हार्ट अटैक हो गया था आई वॉज वेरी वेरी मच आर आर फैमिली वॉज वेरी मच इन अ डाउनफॉल फाइनेंशियल तरीके से आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सम्पति आई एम जस्ट टेलिंग यू कैस जस्ट टू नो बिकॉज आई लव यू एज अ फैमिली मैं तुम लोग को अपनी फैमिली से मानता हूँ ठीक है तो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है आपसे चीज़ें ठीक है सो दैट वॉज अ रीज़न कि मैंने अपना पढ़ाई पे कम ध्यान दिया मैं इलेवेन्थ स्टैंडर्ड में लिटरली मेरी आप अटेंडेंस परसेंटेज देखोगे ना मुझे फेल करते थे इलेवन स्टैंडर्ड में मुझे सिर्फ फोटी एट परसेंटेज आए थे इतना मैं कॉलेज नहीं जाता था मैं उल्टा गेम खेलता था टॉप आता था पैसे कमाता था एंड उस टाइम पर एक पैसे की वो भी लागे थी नहीं मैं जो पाँच हज़ार रुपये कमा रहा हूँ एट द एज ऑफ ये ये वाली एज पे मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है पापा को भी हेल्प हो रही है ऐसा चीज़ें तो इसी के करते 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 ट्वेल्थ आया ट्वेल्थ में मेरे को ये गेम को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था बट एट द सेम टाइम मेरे मेरे घर पे भी चीज़ें चाहिए आ, तो और मैं घर पे तो ऐसा बोल नहीं सकता ना सडन लाइक like, मेरे को हैंडल करना नहीं आया टू बी ऑनस्ट मेरे फैमिली को लाइक like, मैं खुल के मम्मी को नहीं बता पाया कि मम्मी uh, मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं लाइक like, उस टाइम पर मम्मी को पता चल गया कि हाँ बेटा पाँच हज़ार कमाता है बट बेटा पाँच हज़ार कैसे कमाता है वो मम्मी को नहीं मालूम था कि मैं पूरी दिन रात को यू टाइम के हिसाब से वो क्लैश रॉयल चलती थी तो मुझे रात को तीन तीन बजे तक जागना पड़ता था गेम खेलना पड़ता था और अकाउंट लेकर लॉग इन करना पड़ता था उस गेम में ट्वेल्व विंस करने होते थे द वे ट्वेल्व विन्स स्ट्रेट तो आखिरी के जो चार पांच मैच तो इतने टफ होते थे ना और अरब खाली तीन ही बार हार सकते हो बाई ग्रैंड चैलेंज बोलते थे इतना मुझे याद है बारह बार आपको स्ट्रेट जीतना है और आप हार सिर्फ तीन ही बार सकते हो तो मतलब आप फर्स्ट मैच जीत रहे हो तो कोई और गेम कोई और पूरे वर्ल्ड में से वो भी एक मैच जीत रहा है अगर आप दसवां मैच जीत रहे हो तो कोई और दूसरे वर्ल्ड में दसवा दसवां मैच जीत रहा है फिर ग्यारहवें मैच में मैचिंग किससे से होंगी जो ग्यारह मैच ऑलरेडी जीत चुका है ऐसा तो मतलब उतना टफ होता था चीज़ें सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीट अ चैलेंज और एक चैलेंज के मुझे हार्डली वन सिक्सटी या वन सेवेंटी रुपीज़ मिलते थे आई यूज टू ग्राइंड दीज चैलेंज में मैं, मैं भैंस दिन में मालूम नहीं मैं कितनी खेलता था कितनी मिनिमम मिनिमम पंद्रह से सोलह बारह बारह एक पूरा चैलेंज होता है बारह मैच बारह मैचज का मैं पंद्रह सोलह खेलता था पंद्रह सोलह बार बारह 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 मैचेस खेलता था तब जाकर मैं एक गुड लिविंग कमा पाता था उसमें से भी हर टाइम बारह नहीं होते थे मैं कभी कभी हक देता था फिर वो क्लाइंट से गुस्सा झेलता था कि क्यों नहीं कर पाए तो उन्हें बोला था कर पाओगे करोगे करोगे सो फॉर एडवर्टाइजिंग आई हैड टू से हम कि हाँ भाई मैं तो कर दूंगा बारह बारह में प्रो हूँ ये वो बट नहीं हुआ लक अच्छा नहीं था इंटरनेट इशू था कुछ भी हो सकता है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे करेक्ट उनको उनके पैसे वापस चाहिए सो so, ये सभी चीज़ें कर करके मम्मी को इतना डिटेल में मैं टू बी ऑनस्ट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता ऐसा चीज़ें और मम्मी कभी ना कहीं कभी करने भी नहीं देती अगर मैं मम्मी को बोलता ये सभी चीज़ें सो so, मम्मी को मैंने ओवरऑल बताया कि मैं फोर फाइव थाउजेंड रुपीज़ कर देता हूँ सो so, उस टाइम पर हमारा घर का लाइट बिल आता था थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है सो so, मम्मी ने बोला था कि ठीक है तुम इतना कमाते हो तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ लाइट बिल भरते रहना हर महीने मेरे पे आ गया प्रेशर कि अभी अगले महीने से मुझे पाँच हज़ार रुपये करने ही करने हैं कितनी चैलेंजेस ग्राइंड करनी ही करनी है और कभी कभी नहीं भी होते थे मेरे साथ मेरे से, से चैलेंजेस ही नहीं होते थे कभी कभी मैं कुछ पता नहीं डिस्ट्रैक्टेड रहता था मैं थ्री थाउजेंड फाइवी रूपीज नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए तो मैं उधर मांग -मांगे, मांग के मांग मांग के वो करता था अपना घर का लाइट बिल कम्प्लीट सो ओवरऑल ये सभी चीज़ों की वजह से मैं आई कैन लाइक आई आई डोंट आई डोंट नो हाउ इट हाउ इट विल साउंड बट आई एम ट्वेल्थ फेल टू बी ऑनेस्ट ट्वेल्थ फेल आई रेड नॉट पास ट्वेल्थ आई टुक साइंस बी एस सी आई टी मैंने काफ़ी टाइम बहुत सारे लोगों से झूठ बोला यूट्यूब uh, में भी झूठ बोला बहुत सारे लोगों को मैंने घर पर भी झूठ बोला मेरे मेरे पता नहीं मिली आगे ज़िंदगी में मेरी लाइफ क्या होंगी कौन क्या सुन के क्या इसका क्या निकालेंगे चीज़ें बट आई एम ट्वेल्थ फेल एंड आई री ट्राईट गिविंग ट्वेल्थ एग्जाम अगेन आफ्टर थ्री मंथ्स उसमें भी मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स में फ़ेल हो गया वापस मैंने एग्ज़ाम देने का ट्राई करा जून में मार्जअल में हाँ जून में उसमें भी मैं फेल हो गया फिर मैंने वो पूरा ईयर ड्रॉप करने के लिए मम्मी से झूठ बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ मम्मी विल ऑब्वियसली आस्क ना कि भाई तेरा ट्वेल्थ खत्म होगा तो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा फिर मैंने वापस डिप्लोमा लिया लाइक जो टेंथ के बाद लोग लेते हैं सो so दैट मैं खाली कॉलेज जाऊँ मम्मी को बहाना दिखा कि ये लो मम्मी कॉलेज जा रहा हूँ ट्वेल्थ फेल होने के बाद मैंने डिप्लोमा लिया वापस टेंथ के बाद डिप्लोमा बताया मम्मी को कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ स्टिल मैं गेम्स खेलता था सो so दैट मेरा फाइनेंस भी सही से रहे uh, मेरे मेरा मेरा मम्मी को दिख भी जाओ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ बट ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा था मेरे लाइफ एकदम ही मतलब अगर अगर कुछ भी गलत होता ना तो मैं खाए में गिरता है तो कुंव में गिरता अगर मम्मी को मालूम चला कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ और मैं ये सब गांडूगिरी कर रहा हूँ मम्मी पापा के कॉलेज के पैसे भी वेस्ट कर रहा हूँ बाई द वे मैं इसमें मैं मैं मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली बोल देता कि मुझे पता था मम्मी पाप को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ मुझे पैसे डालने की जरूरत नहीं है क्लासेस में मैं खाली कॉलेज जाऊँगा मैं कॉलेज में पढ़ूंगा ऐसा बोला था मम्मी को पता नहीं था कि मैं फेल हो गया था बाई द वे मैंने झूठ बोल के डिप्लोमा करा डिप्लोमा में भी फर्स्ट ईयर क्लियर करा डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी फेल हो गया वापस बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा था मेरा पढ़ाई में एक बार वो मैं इसीलिए बोला एक बार पैसे का एक बार आप में लालच आ जाता है देन यू डोंट फील टू स्टडी एट ऑल एंड मेरी फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे मेरे वहाँ पर कि लाइक जो मुझे लाइक वहाँ पर मैं मेरा नाम था एच आर अल्फा क्लाशर वाई टी ही था बट मैं एच आर गेमिंग वाई टी ए करके एक अकाउंट है वो अकाउंट मैं मेन हैंडल करता था और वो काफ़ी इंडिया के टॉप लीडर बोर्ड्स में रहता था तो इतना गंदे लक में मैं चल रहा था ना कि अगर मेरा हल्का भी हिलडुल जाता है या फिर हल्का भी कहीं से लीक हो जाता तो फ़क मैं आज यहाँ पर नहीं होता इसी के दौरान ओवरऑल ये सब चीज़ें चल रही थी प्लस ब्रेकअप हुआ एंड एवरीथिंग आई स्टिल ट्राई आई स्टिल लाइक like मैंने करा ब्यान जो भी करना हो करा माँ की मैं करते गया करते गया करते ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर वापस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर वापस इलेवेंथ ट्वेल्थ कर रहा हूँ ये भी कर सकता था इट माइट बी अ गुड ऑप्शन अगर मैं पढ़ाई करके मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था मैंने सी प्लस प्लस वगैरह काफ़ी मुझे मजा आता था, था इंटरनली क्यों ब्याचूँ क्या मज़ा आया ऐसा सो आई एम ट्वेल्थ फेल ओवरऑल स्टिल राइट नाउ आई एम ट्वेल्थ फेल मुझे बंदी ने डिच कर दिया से कि तो गेम खेल के थोड़ी करेगा चीजें के uh, uh, आस पास सो ना आई कैन प्राउडली सेल्ट्राइम को लीडर ऑफ हाइड्रा क्लान जिस क्लान ने मुझे इतना सब कुछ दिया फ्रॉम द बिगनिंग लाइक सबसे पहले तो डायनामो ने ट्रस्ट किया जो बंदा पीक भी नहीं करता था गेम के अंदर बी जी एम आई पी पबजी के अंदर उसको क्लैन में लिया ही ट्रस्टेड मी विथ द क्लैन को लीडर बना के ओबियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें भी करी है जिस वजह से ही ट्रस्टेड मी बट स्टिल स्टिल एक एक स्टेप होना चाहिए था किसी के तरफ से सो so, बस यही कहना चाहूँगा मैं अभी भी कभी कभी टॉन्ट मारता हूँ अपनी गर्ल को से लाइक फर्स्ट गर्ल को लाइक like, जो जिससे X हुआ अभी भी कभी कभी टॉन्ट मारता हूँ कि बेटा गेम खेल के मैं तुम्हारे घर पर हाथ तो नहीं मांग सकता था ये लाइन बोला था ना तुम के तुम तुमने ग, गेम खेल के भी मेरे घर गेम खेल के घर पे हाथ मांगने आएगा क्या ये लाइन बोला था ना तुमने बट अब मैं टोंट मारते हुए बोलता हूँ बेटा गेम खेल के मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ ना पूरे साल में तुम्हारे घर पर जितने पैसे नहीं होते उतना मैं सिर्फ जी एस भर देता हूँ महीने का ठीक है सो या दैट इज़ अ फ्लेक्स बट आई शुड नॉट से इट मच क्योंकि कभी कभी बहुत बुरा लगता है उसके लिए भी मुझे शी माइड भी सी क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी देखते हैं मेरे उस ड्रीम्स को एंड उसकी जो फ्रेंड्स थी उस टाइम पर <laughs> वो मुझे मैसेज करती है अभी भी लाइक ओ माई गॉड तुम अल्फा तुम प्रतीक थे कितने इंट्रोवर्ट थे तुम कहाँ कहाँ से क्या बन चुके हो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो करेक्ट कि मैं कैसा लाइक like, मैं कैसा हूँ लाइक like, मैं पहले कैसा था मैं रील्स जैसे डालता हूँ ट्रांसफॉमेशन वाली मैं पहले कैसा था लाइक like, मैं गोल चश्मा पहनता था बोंदू चश्मा था एकदम एंड बोलना नहीं आता था एंड आई वॉज इंट्रोवर्ट सो या दिस वॉज माई स्टोरी तो बस यार मेरे को इन शॉर्ट एक कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ प्लीज़ इसका मतलब ये है कि यू डोंट स्टडी ठीक है मेरा नसीब अच्छा था मतलब ये नहीं हो सकता बट अगर मेरा नसीब अच्छा नहीं होता हल्का भी कम होता या फिर पता नहीं क्या था भगवान ने मेरे लाइफ में ऐसा करा है कि हो गया मैं ये ये लाइक मैं सिचुएशन से बाहर निकल गया बट सभी के लिए इतना अच्छा नसीब नहीं हो सकता एंड योर एंड योर पेरेंट्स मनी वो लोग ने अपने खून पसीने से कमाए हैं सो so मैं आप लोगों को यही कहूँगा प्लीज़ आप दो से तीन घंटे प्रॉपर दिन में पढ़िए Enough है यार बट दो से तीन घंटा क्वालिटी टाइम दो सिर्फ पढ़ाई माँ की चूत सभी चीज़ों की खाओ प्रॉपर पानी पियो मम्मी को बोला हम पढ़ाई करने जा रहा हूँ सीरियसली पढ़ाई करो दो घंटे दो घंटे इज़ मोर देन इन अ बैच कुछ भी करो तुम लोग दो घंटा पर डे अगर आप सीरियसली पढ़ोगे सीरियसली दो घंटा पढ़ो बाकी पूरा दिन तुम बाहर घूमने जाओ गेम खेलो बच्चों करो कुछ भी करो दो घंटा पढ़ो क्लासेस में ध्यान दो एंड गेम खेलो तुम लौड़ा किसी को कुछ नहीं रोक पाएगा यू हैव टू बी फोकस्ड लड़कीबाजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने से तुम्हारा कुछ जीवन में भला नहीं होने वाला है करो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल हाफ आवर करो दिन में एक घंटा करो पूरा पूरा दिन जब मन करता नहीं 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 काफी काफी बुरी आदत है आदत है वो टू बी ऑनेस्ट सो या कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है like, लाइक हाँ इट इज एडिक्टिंग आई नो मैं भी मैं भी कभी कभी लाइक उठते रील स्क्रॉल करता हूँ फिर वापस नींद आने लगते आई स्लीप अगेन आई हेट इट आई हेट इट मैंने काफ़ी टाइम से वो बंद कर दिया ये सभी चीज़ें बट मैं भी रील्स में एडिक्ट हो चुका था सो या ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं तुमको और एक चीज़ बताऊँ एक और बार तो जो ये मेरा पूरा जर्नी था इसमें मैंने गधे जैसे भैंसू बोलेंगे ना दस गधों की मेहनत मैंने एक एक दिन में करी है मेरी मेरी आंखें इतनी छोटी हो जाती थी आंखें लाल हो जाती थी मम्मी सुबह उठ के लाइक मम्मी को आंसू आ जाते कि मेरा बेटा रात भर करता है क्या है पापा ने मारा भी है पेंशन मेरे को तो बहुत कि तो रात भर भर तुम गेम खेल सकते हो हमारा घर पहले कैसा होता था ना लाइक हमारा घर पर एक पैसेज था तो और मम्मी पापा सोते थे और लाइट बिल ना आए इसलिए छोटी सी लाइट करते थे पापा पैसेज की और पैसेज में नीचे बिठाते तो वो बैठ मेरे सामने और पढ़ पूरी रात पढ़ तो इतना स्ट्रिक्ट थे पापा बिकॉज फादर को पता नहीं है ना कि आगे गेम में क्या होगा और तब उस टाइम पर तो गेम था भी नहीं जिस टाइम पर मैंने खेलना चालू करा था मेरे जो क्लाइंट्स होते थे ना गेम के टॉप वाले वो भी बाहर के कंट्रीज़ के होते थे लाइक दुबई गल्फ में से ऐसा कुछ सो इसीलिए कभी कभी होता है कि ऐसा रिग्रेट तो नहीं होता कि थोड़ा पढ़ लिया होता तो अच्छा होता बट हाँ एक चीज़ का ज़रूर रिग्रेट होता है जब मेरे फ्रेंड्स लाइक मेरी सिस्टर हो गए मेरे फ्रेंड्स हो गए वो लोग कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं कि मेरे कॉलेज में इतने सारे फ्रेंड्स हैं आज मैं इनके साथ घूमने जाऊँगी या जाऊँगा या फिर मेरी काफ़ी सारी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं जो कहती है कि आज मेरे कॉलेज फ्रेंड्स आए हैं आज मैं घूमने जाऊँगी एंड आज मैंने ये करा ये करा लाइक मैं हम लोग सब लोग ने मिलकर यहाँ पार्टी करी सो ये एक चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा अभी भी रिग्रेट करता हूँ लाइक द लिविंग अ कॉलेज लाइफ ठीक है लिविंग अ कॉलेज लाइफ सबसे ज़्यादा मैरी मिस uh, करता हूँ बिकॉज आई हैव आई हैव हैड नो फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं बहुत कम रियल लाइफ फ्रेंड्स इतने कम हैं जो आउट ऑफ दिस कम बी वगैरह की बात करें तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड बट वो ऑनलाइन फ्रेंड है हम लोग सिर्फ काम से काम बात करते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई लाइफ में वो शेयर करते हैं बाकी मैं ऐसा नहीं कि लाइक बैठ के चल भाई कॉल किया चल घूमने चलते हैं नहीं ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं आज तक बन पाए हैं बिकॉज ऑफ माई वर्क मैं पूरा टाइम बिजी रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रहती करने के लिए सो so, इसीलिए आज तक कोई ऐसे रियल फ्रेंड्स नहीं बने हैं एंड आई स्टिल मिस द फन दैट अ ग्रुप हैज़ अभी अभी रिसेंटली जब हायड्राबू के मैं आया हूँ इट फील्स लाइक कि मेरे पास दोस्त हैं उठ के ही देर आर फ्रेंड देर आर पीपल लाइक पाइथन हो गया आयुष हो गया एम्परर हो गया ज्यूज़ हो गया न्यूक्लिया हो गया बी टी हो गया सभी के सभी कनिका हो गई दे दे लुक अप टू मी अल्फा क्या कर रहा है देखते हैं अल्फ़ा क्या चोदी कर रहा है चूतिया अल्फा लॉड हुआ है चल अल्फा आज खाना पीने खाना चाहते हैं बाहर ये सारी चल अल्फा बोलिंग करने चलते हैं दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी न्यू फॉर मी सो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे फ्रेंड्स लाइक हो देख कर सो या द ओनली थिंग आई आई फील कि होना चाहिए था यार दैट वॉज माई कॉलेज लाइफ मैंने बिल्कुल भी कॉलेज लाइफ में फोकस नहीं करा एंड आई डि नॉट हैव क्या बोल सकते सिचुएशन जहाँ पर मैं कॉलेज में घुस पाऊँ सो या आई होप टू डेज आई होप यू एज इन्जॉय टू डेज स्ट्रीम रियली रियली अप्रिशिएट ऑल द लव एंड सपोर्ट आज लिटरली फाड़ दिया तुम लोगों ने मुझे लिटरली फाड़ दिया आई पूरा स्ट्रीम में इतना सपोर्ट करा कि बहुत बहुत अच्छा लगा वंस अगेन Thank you so much to Inaya. Thank you so much, Queen. Thank you so much to Savage Girl, uh, Ashi, Ashi. Thank you so much to Alina, uh, Catherine. Thank you so much to Olive. Uh, real name I'm